नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और हमने स्टार्ट की है प्रैक्टिस जो सेट है। पहला प्रैक्टिस सेट हमने किया तो वो आपने देखा, काफी अच्छा जो है आपने रिस्पॉन्ड भी किया। मैंने जो है वादा किया था कि 25 सेट मैं आपको करवाने वाला हूँ, तो उसी सीरीज के अंदर ये सेट नंबर 2। देखिए अभी ये सेट है बहुत सारे एग्जाम के लिए जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे। जैसे अभी कमांडो का जो एग्जाम है उसकी डेट भी कंफर्म हो गई है जो नवंबर में होने वाला है, तो उसके लिए भी बेनिफिशियल है। और कांस्टेबल के लिए तो है ही है, जो मेल कांस्टेबल है उसके लिए, आने वाले जितने भी हम बात करें पटवारी ग्राम सचिव जो भी एग्जाम होंगे उनके लिए भी बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। तो प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन होंगे। पहला सेट आप देख लो, उसकी पीडीएफ भी मैंने डाल दी थी, लेकिन बहुत सारे बच्चे कह रहे आंसर के साथ मैं नहीं डालूंगा, क्योंकि जो फैक्ट मैं बता रहा हूं वो आपको वीडियो देखने से ही पता लगेंगे, वन लाइनर से कुछ नहीं होता है। तो आप सारी वीडियो देखेंगे और पीडीएफ वैसे ही मिलेगी, आप देखो ना देखो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये बड़े अच्छे तरीके से डिजाइन किए गए हैं, सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। बस आपका मकसद एक ही होना चाहिए, अपने टारगेट को अचीव करना। फिजिकल की हम बात करें तो महिला कांस्टेबल का फिजिकल है, उनके जो है एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो वो भी आप जाके डाउनलोड कर लो और अपना अच्छे से प्रिपेयर करो। सभी को ऑल द बेस्ट है। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस मोटिवेशन के साथ कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। तो बहुत सारे लोग अभी जैसे रिजल्ट आया कुछ लड़कियों का नहीं हुआ, वो निराश होगी। मैंने उनको यही कहा कि आप बिल्कुल टेंशन ना लें। बहुत सारी लड़कियां कह रही हैं कि सर इतने टाइम हो गया तैयारी करते हुए, इतने में ये नहीं आया वो नहीं आया, नेगेटिविटी बहुत हो रही है। तो उन सभी चीजों को देखिए, एकदम इग्नोर तो नहीं कर सकते, लेकिन काफी हद तक आप उसको कंट्रोल करें, क्योंकि आपके सामने और भी बहुत सारे लक्ष्य, वो तो जा चुका है, जो बीत चुका है उसको आप ना रो ना रोएं, आगे आने वाले के लिए आप प्रयत्न करें, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। ऐप अभी तक आपने डाउनलोड नहीं की है तो आप सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करें। इसका बेनिफिट आपको क्या मिलने वाला है, इसका जो बेनिफिट होगा वो क्या होगा कि इसमें सारे के सारे पीडीएफ फ्री में है, सारे कोई भी सब्जेक्ट आप उठा के देखेंगे सभी सब्जेक्ट के आपको नोट्स यहाँ मिल जाएंगे, और वो भी फ्री के अंदर, ठीक है। हरियाणा करंट अफेयर, हैंड रिटन, तमाम चीजें इसमें है, तो जाके देख लो एक बार। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एक टेस्ट की तरह लगाना है, फैक्ट है वो आपकी कॉपी पेन आपको उठा के साथ में बैठना है जब भी टेस्ट करो, तो इसको सारे जो फैक्ट आप नोट कर लो और उसके बाद पीडीएफ से करोगे तो बड़ा ही शानदार रिजल्ट आपको इससे मिलेगा, ठीक है। चलिए करते हैं शुरुआत। 1857 की क्रांति को लखनऊ में दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? ऑप्शन है हडसन, कर्नल नील, कैंपबेल या विसेंट आयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को, ये हुई कहां से थी? मेरठ छावनी से, ठीक है। मेरठ छावनी यूपी के अंदर से इसकी शुरुआत हुई है। देखिए बैरकपुर छावनी मंगल पांडे वाला वो सिर्फ एक विद्रोह टाइप था, वहां से क्रांति की शुरुआत नहीं होती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये क्रांति की शुरुआत है वो संडे को हुई थी, और हरियाणा में इसी दिन अंबाड़ा छावनी से क्रांति की शुरुआत होती है, यही 10 मई 1857 को। तो यहां से हम बात करें क्रांति की शुरुआत हुई और लखनऊ की बात हो रही है, लखनऊ के अंदर जो है क्रांति का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने, ठीक है। अब यहां पर क्या पूछा गया है कि किस ब्रिटिश नायक ने, क्योंकि अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को दबा दिया था, बड़े लेवल पे जो होने वाला था वो नहीं हुआ, ठीक है। तो दबाने वाला नायक कौन था? कैंपबेल, याद रखना है, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सिख धर्म गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया, गुरुमुखी जो लिपि है, जैसे हिंदी में कहते हैं हम देवनागरी पढ़ते हैं, पंजाबी में गुरुमुखी की बात करते हैं, तो जो गुरुमुखी लिपि है उसका आरंभ गुरु नानक देव जी ने, गुरु अंगद ने, गुरु अमरदास जी ने या फिर गुरु मिशन ने। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा गुरु अंगद देव जी, ठीक है। गुरु अंगद ने जो है गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था, और सिख धर्म के जो प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव जी। तो प्रथम गुरु और अंतिम गुरु, दसवें जो गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी थे। तो यहां पर हम बात करें गुरु नानक देव जी की जो है
वो जीवनी भी है गुरु अंगद ने लिखी है, इनकी जीवनी भी किसने लिखी है ये भी आप याद रख सकते हो, आपसे पूछ ले कि गुरु नानक देव जी जो प्रथम गुरु हुए उनकी जो है जीवनी है, गुरु नानक की जीवनी है वो गुरु अंगद ने ही लिखी थी, ठीक है याद रहेगा क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? गांधी और इरविन, देखिए एक तो महात्मा गांधी हो गया एक इरविन हो गया, दो यहीं पर दो बंदों का कॉम्बिनेशन है ये, 12 फरवरी 1930, 13 मार्च 1931, 8 मार्च 1930 या 5 मार्च 1931। तो यहां पर गांधी इरविन पैक्ट की हम बात करें तो यहां पर आपका राइट हो जाएगा 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस पैक्ट के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया था, स्थगित कर दिया था उसको, ठीक है याद रखना आपको। गांधी इरविन समझौते हम बात करें, इसमें जो है क्या मुख्य बातें रही थी गांधी इरविन पैक्ट की, मैं बता दूं आपको गांधी और इरविन के बीच में जो हुआ था, ठीक है मुख्य जो समझौते हुए जो एग्रीमेंट हुए ये हुए कब थे, ये हुए थे भी 5 मार्च 1931 को। एक तो दो दांडी मार्च हुआ था कि राजनीतिक जो बंदी बनाए गए थे उनको रिहा करना, दूसरा भारतीयों को फिर से नमक बनाने का हक देना, फिर आंदोलन के दौरान हुए त्याग पत्र किए गए अस्वीकार, आंदोलन में जब्त की गई संपत्ति भी सबको लौटाई गई। तो ये सारी बातें हुई थी गांधी और इरविन, यही था गांधी इरविन पैक्ट जो 5 मार्च 1931, ठीक है भाई। अगला है यूएनडीपी, यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन जो डेवलपमेंट रिपोर्ट है, किस वर्ष प्रकाशित की थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो किस वर्ष, 1985, 1990, 1991, 1995, तो राइट हो जाएगा यहाँ पर 1990। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 1990 में जो है अपनी मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी। मानव विकास सूचकांक विकसित करने वाले दल का नेतृत्व जो है महबूब उल हक और इंगे कोल ने किया था, ये बात भी आप नोट कर सकते हैं, किसने, महबूब उल हक और इंगे कोल, ठीक है ऐसे लिखेंगे इसको इंगे कोल। तो इन्होंने जो है उस टाइम पे क्या है दल का नेतृत्व किया था, याद रहेगा। आगे बढ़े हम, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है, रघुराम जी राजन, विनोद राय, बिमल जालान, वेंकैया नायडू। तो यहां पर एक तो ये वेंकैया नायडू तो क्या हो गए भारत के उपराष्ट्रपति, और बाकी हम बात करें तो ये हैं हमारे आरबीआई के गवर्नर। तो यहां पर जो थर्ड पिलर पुस्तक है वो रघुराम राजन की है, ठीक है किसकी है, आरबीआई के जो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा ये थर्ड पिलर लिखी गई है, ठीक है। चलिए अभी कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि वर्तमान के अंदर आरबीआई गवर्नर कौन है, आरबीआई गवर्नर के जो सिग्नेचर आते हैं आप नोट पे देखेंगे, एक रुपए के नोट को छोड़कर सभी नोटों पे आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, तो जरूर कमेंट बॉक्स में अभी बताएं मुझे। फिर बात करते हैं आल्पस पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन सा है, तो यहां पर आल्पस पर्वत की हम बात करें तो जो फ्रांस, एक तो फ्रांस और एक स्विट्जरलैंड, ए भी दोनों राइट हो जाएगा यहां पर। ये जो पर्वत है ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड, ठीक है हम बात करें स्विट्जरलैंड, तो इन दोनों देशों के अंदर इसका विस्तार क्षेत्र है, फ्रांस हो गया, ठीक है मैन तो यही आते हैं बाहर की, इसके बाहर वाले देश जैसे फ्रांस की जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर हम बात करें स्लोवेनिया है, इटली है, ये आसपास के हैं, लेकिन जो क्षेत्र है ज्यादा किसके, फ्रांस और स्विट्जरलैंड, इसमें राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले, धान से निकलने वाली गैस, जो गैस है गैसें है धान से, इथेन, मिथेन, नाइट्रोजन या ये सभी, तो धान राइस प्रोडक्शन की जहां तक बात कर, राइस जो धान है उसके अंदर से जो धान का खेत होता है उसमें जो है ज्यादा गैसें हैं वो कौन, ज्यादा गैस कौन सी निकलती है, यहां पर बात करें तो मीथेन, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है मीथेन तो गटर वगैरह में भी बन जाती है जो सीवर वगैरह होते हैं, तो धान के खेत में नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तीन गैसें निकलती हैं, कौन कौन सी मैंने बताया, एक तो आपकी होगी नाइट्रस ऑक्साइड होगी, ठीक है एक होगी आपकी मीथेन और एक होगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है CO2 हो गया, CH4 हो गया, ठीक है तो समझ आ गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, पारा है, पानी है, इथर है या फिर बेंजीन। तो उष्मा का सबसे अच्छा चालक हम द इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द मोस्ट कंडक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं ना, तो यहां पर आपका राइट हो जाएगा पारा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पारा। ठीक है, उष्मा का सबसे अच्छा चालक है पारा। अन्य जो धातुएं हैं जो सुचालक की हम बात करें, उसमें तांबा आता है, एल्यूमिनियम आता है, चांदी आता है, सोना आता है। ठीक है, याद रहेगा, क्लियर है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ये तो बड़ा ही सिंपल बहुत बार पूछा जाता है, आप सब जानते हैं कि नाभिक संलयन अभिक्रिया नाभिक संलयन द्वारा होता है। नाभिक संलयन सूर्य तारों की ऊर्जा का स्रोत है और सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन उसमें होता है। हम बात करें तो हाइड्रोजन हो गया आपका 71% और बाकी हम बात करें तो हीलियम हो गया उसमें, ठीक है, 26% का जो है ये बना होता है। तो कौन सी अभिक्रिया होती है, नाभिक संलयन होती है। आगे बात करते हैं हम दूध, उदाहरण है विलयन का, फेन का, वाइवियल का या फिर पायस का। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पायस हो जाएगा। ठीक है, दूध का उदाहरण, दूध जो है पायस का उदाहरण है, क्या बोलते हैं, इमल्सन बोलते हैं ना इंग्लिश में, इमल्सन। दो या दो से जो है, दो या इससे अधिक जो अमिश्रणीय तरल पदार्थों से बना एक मिश्रण है। ठीक है, याद रखना है, इससे दूध से बटर वगैरह भी बना निकालते हैं, घी निकालते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला है एक्वारेजिया। ठीक है, यहां पर आपको इस तरीके से लिखा जाएगा, ये एक्वारेजिया जिया। एक्वारेजिया निम्नलिखित में किससे मिलाकर बनाया जाता है, तो ये बनता है भाई किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो क्या हो गया आपका, HCl हो गया, प्लस HNO3, ये क्या होता है आपका, नाइट्रिक एसिड होता है। तो इन दोनों को मिलाने से क्या बनता है, एक्वारेजिया बनाया जाता है, याद रखना आपको। ठीक है, तो HCl और किससे हो गया, ये आपका नाइट्रिक एसिड से, तो सी इसमें आपका ये राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का जो मात्रक है आप सब जानते हैं, शक्ति का मात्रक क्या, कैसे निकालते हैं इसको, कार्य समय। ठीक है, तो जूल और सेंटीमीटर, तो वाट आ जाए। ठीक है, क्या होगा आपका, वाट होगा, तो शक्ति का मात्रक क्या होगा, वाट। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं, बल का व्यंजक न्यूटन के किस गति नियम से प्राप्त होता है, कौन सा, पहला नियम, दूसरा नियम, तृतीय नियम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दूसरा जो नियम है उससे। सेकंड, हम बात करें जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उस बल की दिशा में जो उत्पन्न होता है, हम बात त्वरण आरोपित बल समानुपाती द्रव्यमान के, मतलब इसको थोड़ा सा ये टेक्निकली ये साइंस का, तो आप इसको कर भी सकते हैं, लेकिन मैं सीधा सीधा बता दूं, द्वितीय गति जो गति के नियम होता है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, साइंस के स्टूडेंट है वो इसको निकाल भी सकते हैं। डायनमो एक युक्ति है और जो परिवर्तित करती है, डायनमो आप सब जानते हैं कि ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। डायनमो का काम क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। ठीक है, समझ आ गया। चलिए बात करते हैं, दूध का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से, न्यूट्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से। ये बहुत बार पूछा जाता है और सिंपल पर्सन है, लैक्टो। ठीक है, लैक्टोज होता है ना दही, तो लैक्टोमीटर याद रखना है आपको, लैक्टोमीटर। ठीक है, दूध का जो अपेक्षित घनत्व लैक्टोमीटर से ज्ञात होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है, जीव, प्रकाश, जल, मिट्टी। तो यहां पर आपका राइट हो जाएगा जीव। देखिए, प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र की हम बात करें तो जीवीय अजीवीय दो मुख्य घटक होते हैं। जी अजीवीय घटक जैसे मिट्टी है, जल है, वायु है, प्रकाश है, ताप है आदि होते हैं, और जीवीय घटक कौन से होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, या फिर आदमी लगा लो आप, मनुष्य होते हैं। ठीक है, बायोटिक लिविंग और एबायोटिक नॉन लिविंग, इसमें आपको ध्यान रखना। ठीक है,
तो अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन नहीं है। टमाटर में लाल रंग का एक कारण लाइकोपीन होता है, पपीते के पीले रंग का कारण सोलेनिन होता है, सेब के लाल रंग का कारण जो है एंथाइसिनिन होता है, या लाल मिर्च के लाल होने का कारण कैप्सिसिन होता है। तो यहां पर बताना है कि इनमें से कौन सा कथन। तो बाकी तो सारे के सारे ठीक है, लेकिन पपीते का जो पीला रंग है वो सोलेनिन के कारण नहीं होता है, ठीक है। तो पपीते का जो वनस्पतिक नाम है उसको कैरिका पपाया कहते हैं। इसमें कैरोटीन होता है प्रचुर मात्रा में, और जो विटामिन ई का बहुत अच्छा स्रोत है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा कण रक्त में नहीं पाया जाता है। लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, विम्बाणु, या फिर प्रोथोम्बिन। तो यहां पर जो ये प्रोथोम्बिन होता है ये जो है रक्त में नहीं पाया जाता। प्रोथोम्बिन एक प्लाज्मा है, प्लाज्मा ग्लोबुलिन है ये, जो कि 100 मिलीलीटर में 15 मिलीग्राम होता है, जो रक्त के जमने में उपयोगी होता है। तो ये हम बात करें नहीं पाया जाता है। आगे बात करते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। तो द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन है उसका आयोजन कब हुआ था भाई। तो यहां पर राइट हो जाएगा आपका 7 सितंबर 1931 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर 1931 को, और इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या विवाद के कारण असफल रहा था, ठीक है। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत जिसमें गांधी जी ने हिस्सा लिया था, 30 में पहला हुआ था और 31 में ये दूसरा हुआ था, याद रखना। 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया, तो उनको जो है डी इसमें राइट हो जाएगा आपको, बांकीपुर जेल के अंदर उनको रखा गया था, ठीक है। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी तथा अन्य प्रमुख जो कांग्रेस के नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, और बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में रखा गया था। ये बांकीपुर जेल कहां पर है, और ये भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे राजेंद्र प्रसाद, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया। राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा विनोबा भावे। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब की थी, 1940 में। कब की थी, 1940 में, और इस दौरान प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को चुना गया था, आपको ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किससे मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी। सोहन सिंह भकना ने, बीडी सावरकर, जवाहरलाल नेहरू, देवेंद्र नाथ टैगोर। तो यहां पर आपका राइट हो जाएगा बीडी सावरकर, ठीक है। मित्र मेला संघ की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है, बीडी सावरकर ने इसकी स्थापना है वो कब की थी। हम बात करें तो 1899 में, क्योंकि आगे चलकर अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुआ। आगे चलकर इसका नाम क्या, अभिनव समाज भारत के रूप में आगे बढ़ा। वर्तमान में कितने कंपनियों को क्रमश महारत्न तथा नवरत्न का दर्जा दिया गया है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो वर्तमान के अंदर हम बात करें तो महारत्न तथा नवरत्न का दर्जा है वो 10 से 14। मार्च 2021 में भारत में कुल 10 कंपनियों को महारत्न जबकि 14 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा प्राप्त है। कब तक की बता रहा हूं मैं आपको, मार्च 2021 तक की। तो 10 तो आपकी क्या होगी, महारत्न होगी, और 14 क्या होगी आपकी, नवरत्न होगी, ठीक है, याद रखना। पता होगा ना आपको, सेल हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, फिर कोल इंडिया लिमिटेड, या फिर ONGC, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, जो भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिक जो लिमिटेड है। तो ये कंपनीज हैं, ठीक है, महारत्न। अब बात करते हैं जो ग्लाइकोलिस में परिवर्तन होता है प्रोटीन ग्लूकोज में, ग्लूकोज फ्रुक्टोज में, मड होता है जो ग्लूकोज में, या ग्लूकोज पाइरूविक अम्बल में। यहां पर ग्लूकोज होता है वो पायोरिक अम्बल में, ठीक है।
ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज या पायरूरिक अम्ल में परिवर्तन होता है। ग्लूकोज निर्माण की जो है क्रिया को क्या बोलते हैं? कमेंट करके बताइए कि ग्लूकोज निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो यहां पर आपका राइट क्या हो जाएगा? ग्लूकोज पायरूरिक अम्ल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। पादप जगत में निम्नलिखित व्यष्टियों में कौन सा मुख्यतः जलीय है? जलीय कौन सा है? ब्रायोफाइट, सेवाल, टेरियोफाइटा या फिर अनावर्त बीची। तो यहां पर सेवाल आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, पादप जगत में सेवाल जलीय है। आपने देखा वो पानी के ऊपर हरे हरे रंग का जो होती है ना सेवाल, वही होता है। तो यहां पर जो है सेवाल को जन्नांग एक कोशिकीय होते हैं। सेवाल अपने भोजन को स्टार्च के रूप में संचित करते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। क्लियर है? वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और जितना हो सके इसका जो है लिंक है वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं ताकि जो भी बच्चे आगे एग्जाम दे उनको इसका बेनिफिट हो सके। अब बात करते हैं कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चनों की। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इसमें मैंने 25 जीके के जिसमें साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तमाम चीजें शामिल की गई है। कंप्यूटर बूट नहीं होगा अगर उसमें खालिस्तान नहीं हो। भाई कंप्यूटर बूट नहीं होगा, बूट करते हैं आप। ठीक है, बूट होता है रिस्टार्ट। देखिए पेरिफेरल, ब्रिज, टोपोलॉजी, यदि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो वो बूट नहीं होगा। अगला है भारतीय रेल द्वारा दर्शाई गई वेबसाइट। तो भारतीय रेल के द्वारा जो दर्शाई गई वेबसाइट की हम बात कर रहे हैं तो वो कौन सी है भाई? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन आता है ना, तो यहां पर आपका राइट हो जाएगा IRCTC। ठीक है, समझ आ गया ना? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन होता है तो आपका सी राइट होगा। फिर बात करते हैं एमएस वर्ड में पेस्ट कमांड किस, कॉपी पेस्ट करते हैं ना, तो एमएस वर्ड की बात हो रही है। पेस्ट कमांड किस समूह में होता है? क्लिपबोर्ड में होता है, पेज में, पैराग्राफ में, फिर होम में। तो यहां पर राइट हो जाएगा आपका क्लिपबोर्ड में। फिर स्काइप क्या? एक क्लाउड स्टोरेज है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, वीडियो कॉन्फ्रेंस मैसेज सिस्टम है, एंटीवायरस है। तो स्काइप यूज किया हो किसी बच्चे ने तो आप पता ही होगा उसको, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और मैसेज सिस्टम है। ठीक है, समझ आ गया भाई? क्लियर है? स्काइप पे आप समझ लो कि एज ए व्हाट्सएप हो गया आपका। ठीक है, चलिए टेलीग्राम है जैसे। आगे बढ़ते हैं, एमएस डॉस जो है होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम गेम, वेबसाइट प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसिंग, क्या होता है? तो यहां पर आपका राइट हो जाएगा, ये जो एमएस डॉस है वो क्या होता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है भाई, चल आगे बात करते हैं हम। किसी भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य की भूगर्भिक संरचना है वो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, कौन से काल में? मेसोजोइक काल में, कैनेजोइक काल में, पैलोजोइक काल में या फिर ऑजोइक काल के अंदर? तो यहां पर हम बात करें किस काल के अंदर जो है भूगर्भिक जो संरचना होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके आप बताइए एक बार कि जो है किस काल के अंदर, किस काल के अंदर जो है यहां पर भूगर्भिक संरचना हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ठीक है, कौन सा काल आएगा इसमें? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक बार ये क्वेश्चन आ भी चुका, आई थिंक एक बार आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो कौन सा काल होगा इसमें, किस काल, कौन सा जो काल है? तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? मैसेजोइक काल। ठीक है, कौन सा काल होना चाहिए आपका? मैसेजोइक। तो मैसेजोइक तो ए होगा। ठीक है, ठीक है भाई, तो यहां पर ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले की है? सबसे कम जो जनसंख्या है वो किस जिले की है? तो वो आपको पता ही है किसकी है भाई, किसके अनुसार पूछने 2000, देखिए सेंसस जो है 2011 के अनुसार हम बात करें तो यहां पर आपका जो राइट होगा कौन सा होगा? झज्जर, पंचकुला, फरीदाबाद। तो यहां पर जो पूछी गई है वो किसके अनुसार पूछी गई है?
2011 के अनुसार, तो वो वहां पर आपको जो है राइट क्या करना है, झज्जर राइट करना है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थान में कुषाण कालीन सोने व चांदी के सिक्के, कुषाण कालीन, ठीक है, कुषाण कालीन सोने व चांदी के जो सिक्के हैं वो कहां से, हांसी से, सूद से, रोहतक से या फिर मिताथल से, हांसी, रोहतक, सूद या फिर मिताथल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हरियाणा के जो जितने भी क्वेश्चन है वो आपको आने चाहिए, क्लियर है भाई। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वो भिवानी हो जाएगा, मिताथल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भिवानी मिताथल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट आप कमेंट करते जाइए, किस सदी के आरंभ में कन्नौज पर शक्तिहीन आयुध शासकों का शासन था, छठी में या फिर हम बात करें आठवीं शताब्दी में या फिर सातवीं शताब्दी में या फिर नौवीं शताब्दी में, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो कौन सी शताब्दी में, आठवीं शताब्दी में, ठीक है, कौन सी शताब्दी राइट हो जाएगा आपका, आठवीं शताब्दी। चलिए आगे बात करते हैं, हेमू द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने की सूचना पाकर अकबर ने मुगल सेनापतियों को कहां पर एकत्रित होने का, हिसार, रेवाड़ी, थानेसर या फिर अंबाड़ा, हिसार, रेवाड़ी, थानेसर या फिर अंबाड़ा, तो यहां पर राइट क्या होगा आपका, थानेसर, क्या होगा, सी इज द राइट आंसर, तो यहां पर राइट हो जाएगा आपका थानेसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में लावारिस बच्चों की पढ़ाई नौकरी की व्यवस्था के लिए कौन सी नई योजना, हिफाजत, हरिहर, लावारिसी प्रणाली, इनमें से तो राइट होगा आपका हरिहर योजना। अगला है छछरौली रियासत, छछरौली का विद्रोह 1818 में हुआ था क्या, छछरौली हरियाणा की चेरापूंजी भी कहते हैं, तो इसके प्रथम शासक पूछे तो आप राइट करोगे बुंगेल सिंह, और 1800 जो विद्रोह हुआ था उसमें, छछरौली का विद्रोह 1818 में, उस समय जोधा सिंह नेतृत्व किया था जो अंग्रेजों के विरुद्ध थे। मथुरा अखबार नामक उर्दू साप्ताहिक पत्र किसके द्वारा निकाला गया है, विश्वंबर दयाल शर्मा, लाला मुरलीधर, दीनदयाल शर्मा, किसके द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दीनदयाल शर्मा, सी इज द राइट आंसर। केंद्र सरकार ने NIFM वित्तीय राष्ट्रीय प्रावधान संस्थान जो फरीदाबाद में, क्वेश्चन आया भी है अभी एग्जाम में, पीछे आया था रिसेंटली, बदलकर क्या रखा है, तो यहां पर अरुण जेटली राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान इसका रखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आगे भी रिपीट हो सकता है। बजट 2020 में कहां आदर्श कौशल केंद्र खोलने का प्रस्ताव है, कैथल, करनाल, गुरुग्राम या सिरसा, तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सिरसा। सिरसा जो सबसे बड़ा जिला है 3983 वर्ग किलोमीटर एरिया में जो फैला हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा कपास होती है, जिसमें कपास के साथ साथ हम बात करें तो यहाँ पर गेहूं भी सबसे ज्यादा यहाँ पे होती है, गाय पालन सबसे ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है, और गौशालाएं सबसे ज्यादा है यहाँ पे, इसके साथ साथ ऊंट प्रजनन केंद्र है यहाँ पे, ठीक है, सिरसा में CDLU यूनिवर्सिटी है यहाँ पर जो 2003 में बनी थी, बहुत सारी चीजें हैं। 1857 क्रांति में पटौदी से किसने नेतृत्व किया था, पटौदी की हम बात करें तो यहां से नेतृत्व किया था अकबर अली ने, किसने किया था, अकबर अली ने, पटौदी एक रियासत थी आप सब जानते हैं, नवाब मसूर अली पटौदी का नाम सुना होगा, सैफ अली खान, तो ये सभी वाइट पैलेस है यहाँ पे। वर्ष 1955 में कहां के पुलिस महा अधीक्षक के दुष्पहार के विरुद्ध जल मतलब जलसे और जुलूस आग लगाई गई, सारी तमाम बातें की गई, तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका सिरसा, क्योंकि उस टाइम हरियाणा बनने की जो मांग तेजी से उठ रही थी। ठीक है, हरियाणा में यूरेनियम संघ की मदद से हरियाणा सामुदायिक नामक परियोजना कब शुरू की गई, इस परियोजना की शुरुआत कब हुई हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा 1998-99 के। ठीक है, बकरी प्रजनन केंद्र, देखिए बजट में ये अनाउंसमेंट की गई थी बकरी प्रजनन केंद्र का निर्माण होगा, तो ये होगा भिवानी केंद्र। ठीक है, भिवानी लोहारू में इसकी स्थापना होगी। ठीक है, प्राचीन नाम इसका लोहारू। महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित जेएलएन उत्थान सिंचाई परियोजना, जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई परियोजना में पहली बार पानी कब छोड़ा गया, तो पहली बार पानी छोड़ा गया था 1976 में। 1976 में MDU यूनिवर्सिटी भी बनी है। 8 मई 1976 को रोहतक
आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी, आप सब जानते हैं। और 1976 से 1984 के बीच में अगरवा धाम भी बनके तैयार हुआ है, ये भी आप ध्यान रखते हैं, ठीक है। 1994 में अगरवा मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, 1995 में पंचकूला बना और भारत में इंटरनेट की सुविधा स्टार्ट हुई। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नया चेयरमैन कौन बना है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो चेयरमैन, ये तो आप सब जानते हैं गूगल के हैं सुंदर पिचाई, ये सीईओ है। और सत्य नडेला पहले सीईओ होते थे, अभी इनको चेयरमैन बनाया गया, याद रखना। कैबिनेट ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए कितने रुपए की जो पीएलआई योजना को मंजूरी दी है? 11,000 करोड़, 20,000 करोड़, 10,000 करोड़ या 10,900 करोड़? तो राइट हो जाएगा 10,900 करोड़। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड, इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड जीतने वाले एशिया के एकमात्र रेंजर कौन है? तो ये 10 ऐसे महानुभावों को ये मिलता है, तो महेंद्र गिरी, धर्मेंद्र प्रधान, वीर सहगल, गौतम कुमार चौहान, तो महेंद्र गिरी को ये दिया गया है। जून 2021 में नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये हुआ था ब्रुसेल्स के अंदर, ब्रुसेल्स के अंदर। और जो इसमें देश ने भाग लेते हैं, जो सदस्य देश है नाटो के, वो कितने हैं? 30। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत इसमें 142वें स्थान पर रहा, डी इसमें राइट होगा। पहले स्थान पे कौन रहा कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो फटाफट आप चाहते हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मुझे आप जितना रिस्पॉन्ड करेंगे मैं भी आपको उतना ही रिस्पॉन्ड करूंगा, ठीक है, रिस्पॉन्ड करूंगा। और ये ऐसा नहीं है कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें कि क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, और कोई इंप्रूवमेंट और कोई क्वेश्चन चाहते हैं, जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे कि इसमें आईपीसी सीआरपीसी भी डाल दें, तो वो भी मैं डाल दूंगा। और भी कोई राय हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी लेकिन विदाउट आंसर मिलेगी, आंसर के लिए कोई भी मुझे मैसेज ना करें, मैं आपको साफ साफ बोल देता हूं, ठीक है, साफ कहना, सुखी रहना। तो बाकी सेट वन हो गया आपका और सेट टू हो गया, तो दोनों ही देख लो, इनकी मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा ताकि आपको आसानी से ये सारे मिल भी जाएं। पीडीएफ आपके टेलीग्राम पे मिलेगी, ठीक है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर पे भगवान नहीं होता, तो ये माइंड में रखें, जहन में रखें। और इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर लें, यहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझे कुछ कोई बात पूछनी हो आपको तो वो भी आप मुझसे डायरेक्ट यहाँ से आप मुझसे जान सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये जीके भाई गोस्वामी सर, ये मेरी आईडी है, यहाँ से आप या फिर ऑफिशियल सुनील गोस्वामी पे भी आप पूछ सकते हैं। एट द रेट टेलीग्राम है ये टारगेट विद गोस्वामी, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलती है तमाम, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।